मुझे बड़ा मजा आया एक किरदार पेश करने में, चूंकि हमने उसको लास्ट तक शातिर ही रखा, ऐसा नहीं कि पहले सीन के बाद शातिर दिखाने के बाद दूसरे सीन में उल्लू का वट्ठा बन गया, ऐसा नहीं है। तो वो काफ़ी कुछ हमने उसको बरकरार रखा है, और पहली बार मैं इमरान हाशमी फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि सेंसिबिलिटीज बड़े सही हैं, कहीं भी ऐसी मतलब फ्रिवलेस बातें नहीं हैं, बहुत ऊँची चीज़ें नहीं हैं, और एक कहानी के साथ जुड़कर इन्होंने फिल्म बनाई। नटवरलाल ऑब्वियसली हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, मेरे पास आओ मेरे दोस्त, है ना, तो वो हमारा संबंध है नटवरलाल से, तो बड़े दिल के करीब हैं वो किरदार। अब ये मौका मिल रहा है कि ऐसी कोई फिल्म हम कर रहे हैं जहाँ पे बचपन में हमने कुछ देखा था, और अब उसके एक अलग रूप हमको देखने को मिल रहा है। मैं ऐसी कोई भूमिका नहीं करता हूँ जहाँ पे मेरी इम्पोर्टेंस ना हो, पहली बार जी, हाँ। और दूसरी ऐसे है कि जहाँ तक नटवरलाल का सवाल है, एक नाम के अलग अलग इंसान हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक अलग इंसान को पेश किया गया, उस ज़माने में एक अलग इंसान था, तो बिल्कुल ही भिन्न है दोनों, तो इसमें कोई सिमिलरिटी वगैरह नहीं है कोई। और जहाँ तक मेरा किरदार का सवाल है, जी हाँ, ऐसे किरदार आपको पहले भी देखने को मिले होंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि उसको एक इंसान के रूप में पेश किया जाए, ना कि कटआउट विलन जो उसको बोलते हैं, वैसा नहीं। तो इसमें भरपूर ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें, और उसको हमने कोशिश की है पेश करने की।